नमस्कार। आत्मविश्वास के बलबूते वो जीत जाते हैं और पैर जब साथ ना हो तो वो अपने पंख फैलाते हैं। एक्सेप्टेंस के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो अरुणिमा सिन्हा, श्रीकांत बोला और राजेंद्र सिंह रहेलू जैसे लोग विकलांगता को दरकिनार करके एक दिन इस दुनिया को असंभव की सीमा से परे खड़े नजर आते हैं। जीवन को अपनाने की इन अनोखी कहानियों में से आज हम आपको राजेंद्र सिंह रहेलू की कहानी से परिचित कराएंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग आधा शतक पहले यानी 1973 में, जालंधर पंजाब के महसामपुर गांव के एक गरीब परिवार से, जहां गांव के एक बैंड मास्टर के घर में चार बच्चों के बाद फिर से बच्चे के आने की खुशियां मनाई जा रही है। समय के साथ इस घर में एक बेटे का जन्म होता है और बेटे का नाम राजेंद्र रखा जाता है। लेकिन इस परिवार की ये खुशियां बच्चे के बड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगी थी। बच्चे की माँ अक्सर महसूस करती थी कि उसके बच्चे के पैरों में कुछ हरकत नहीं होती। फिर कभी सोचती कि शायद ये उसके मन का वहम है, बच्चा धीरे धीरे ही सब करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस समय निकलता जा रहा। और बच्चे के 8 महीने के होते होते माँ को पूरा यकीन हो गया कि उसका बच्चा अपने पैर बिल्कुल भी नहीं हिला सकता है। एक माँ के दुख का ठिकाना नहीं रहता जब डॉक्टर भी उसके मन की इस शंका को सही बता देते हैं। अब परिवार के सामने ये बात साफ थी कि उनके प्यारे राजेंद्र के दोनों पैरों को पोलियो जैसी लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया है। एक माँ ये सोचकर दुख करती रहती कि एक 8 महीने के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ऊपर वाले ने उसे ऐसी बीमारी दे दी। लेकिन माँ तो माँ ठहरी, राजेंद्र को 8 साल तक अपनी गोद में उठाकर कभी इस डॉक्टर के यहाँ तो कभी उस वैद्य के यहाँ, जिसने जो भी रास्ता बताया उस पर आंखें बंद करके बस चल देती, इस उम्मीद से कि उसका बेटा ठीक होकर अपनी जिंदगी का भार उठा सके। स्कूल में पढ़ने के लिए भी राजेंद्र को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती थी। स्कूल के गेट तक तो घरवाले छोड़ जाते, लेकिन बाकी के समय राजेंद्र को अपने हाथों पर घसीटते हुए कक्षा से इधर से उधर जाना पड़ता। राजेंद्र के स्कूल की एक टीचर राजेंद्र के जीवन में आगे आने वाली चुनौतियों को साफ साफ देख पा रही थी। इसीलिए टीचर ने राजेंद्र के लिए एक ट्राइसिकल की व्यवस्था की, जिससे राजेंद्र आसानी से घर से स्कूल और दूसरी जगहों पर आना जाना कर सके। और सच मानिए, ये ट्राइसिकल राजेंद्र की जिंदगी में किसी टार्जन द वंडर कार से कम नहीं थी। ट्राइसिकल ने एक और जहां राजेंद्र की स्कूल लाइफ को काफी हद तक आसान बना दिया था, वही ट्राइसिकल चला चला कर राजेंद्र के हाथ दूसरे लोगों की तुलना में काफी मजबूत हो गए थे। स्कूल के बाद राजेंद्र अपने आगे के जीवन के लिए सोचता रहता, क्योंकि राजेंद्र आगे और पढ़ सके ये परिवार की आर्थिक स्थिति के बाहर था। और लगभग 21 साल तक इलाज के लिए इधर उधर भटक कर राजेंद्र को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसके पैर अब कभी ठीक नहीं होंगे। मतलब उन्होंने अपने आप को जैसे हैं वैसे का वैसा स्वीकार कर लिया। अब जो करना था वो हाथों के दम पर करना था। ऐसे में राजेंद्र को अपने एक दोस्त का ध्यान आया जो पावर लिफ्टर थे। अब राजेंद्र अपने इस दोस्त के पास एडवाइस लेने के लिए अक्सर जाने लगे। और एक दिन उनके इसी दोस्त ने उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने राजेंद्र को बेंच प्रेस करने के लिए उत्साहित किया
और जब राजेंद्र ने पहली ही कोशिश में लगभग 70 किलो का वजन उठा लिया तो पार की आंखें ये समझ गई कि अगर कोई इंसान पहले ही दिन 70 किलो उठा सकता है तो थोड़ी सी मेहनत से, थोड़े से अभ्यास से राजेंद्र पंजाब खेलों के लिए क्वालिफाई कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। सही ट्रेनिंग से राजेंद्र ने ना सिर्फ पंजाब खेलों के लिए क्वालिफाई किया बल्कि आगे कई नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के लिए भी उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब इंटरनेशनल खेल के लिए बाहर जाने के लिए पैसे कहाँ से आते, इसीलिए राजेंद्र इंटरनेशनल के लिए नहीं जा सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस उम्मीद से अपनी ट्रेनिंग करते रहे कि आगे जरूर कोई रास्ता निकल जाएगा। और उनकी इसी लगन से सच में आगे का रास्ता बना। राजेंद्र के लिए इंटरनेशनल जाना मुश्किल था लेकिन इंटरनेशनल गेम्स का इंडिया में आना मुश्किल नहीं था। और यही हुआ। एक समय आया जब इंटरनेशनल गेम्स दिल्ली में हुए। राजेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी ट्राइसिकल और भारतीय रेलवे की मदद से दिल्ली आसानी से जा सकता था। इससे पहले भी वो कई कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने ऐसे ही गया था। लेकिन दिल्ली पहुंचकर राजेंद्र की आंखें खुली रह गई क्योंकि दूसरी जगहों की तरह यहाँ कोई एक प्लेटफॉर्म तो था नहीं। दिल्ली जैसे बड़े रेलवे स्टेशन पर जहाँ लगभग 15 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म थे, वहाँ पर हाथों से अपने आप को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लाने में राजेंद्र के हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने की खुशी के आगे ये छाले राजेंद्र को कुछ भी नहीं लगे। और दिल्ली में किए अपने प्रदर्शन के बाद राजेंद्र के लिए आगे का रास्ता और सरल होता गया। कुछ संस्थाएं आगे आई जिन्होंने राजेंद्र को स्पॉन्सरशिप भी दी। फिर एथेंस के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक से लेकर 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक राजेंद्र ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राजेंद्र सिंह रहेलू ने 185 किलोग्राम वजन उठाकर देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद राजेंद्र ने देश के लिए आगे भी मेडल लाने का पूरा प्रयास किया। और उनके इन प्रयासों और लगन को देखते हुए सरकार ने राजेंद्र सिंह को देश के स्पेशली एबल्ड पावर लिफ्टर को ट्रेन करने के लिए एक कोच के रूप में अपॉइंट किया क्योंकि उनसे बड़ा उदाहरण और बेहतर ट्रेनर तो देश के इन पावर लिफ्टर्स के लिए दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता है। और राजेंद्र से बेहतर कौन इन लोगों की काबिलियत को परख कर और बेहतर बना सकता था। इसीलिए अर्जुन अवार्ड विजेता राजेंद्र सिंह रहेलू अब एक कोच के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके जीवन से ये जरूर सीखा होगा कि कोई भी अक्षमता किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आपके इरादों में दम है और आप अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो रास्ता खुद ब खुद आपको तलाशने लगेगा। राजेंद्र सिंह रहेलू ने अपनी मेहनत से ही अपने आप को 70 किलोग्राम से 185 किलोग्राम का वजन उठाने के लायक बनाया। इसलिए चुनौती कैसी भी हो, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उसे करते जाइए, अपने आप को स्वीकार कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करके आप भी एक दिन अपनी मंजिल को पा सकते हैं। धन्यवाद।